29 फरवरी को स्वामी न्यूज द्वारा दिखाई गई खबर का असर 10 मार्च गुरुवार को देखने को मिला, जब निगम मेयर धर्मेंद्र गहलोत ने निगम अधिकारियों के साथ जानवरों का इलाज करने वाली संस्था टोल्फा विकेयर सहित एक अन्य संस्था के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित कर सार्वजनिक स्थलों सहित शहर के गली मोहल्लों में बढ़ती आवारा कुत्तों की गतिविधियों पर अंकुश लगाकर आमजन को राहत दिलाने के निर्देश दिए। गुरुवार को निगम महापौर गहलोत ने अपने कक्ष में संबंधित अधिकारियों से नगर में बढ़ते जा रहे आवारा कुत्तों के आतंक से शहरवासियों को किस तरह निजात दिलाई जाए, इस पर चर्चा की। धर्मेंद्र गहलोत ने बताया कि बैठक में संबंधित अधिकारियों और संस्था प्रतिनिधियों ने पशु क्रूरता अधिनियम 2001 के तहत किस तरह से शहर में आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी करने और उनको वैक्सीन दिए जाने पर गंभीरता से चर्चा की। गहलोत ने बताया कि इससे पहले निगम प्रशासन ने टेंडर के जरिए इस काम को ठेकेदार को सौंपने का निर्णय लिया था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद टेंडर को निरस्त करना पड़ा, क्योंकि नियमों के तहत ये काम केवल किसी सरकारी विभाग या फिर सामाजिक संस्था द्वारा ही किया जा सकता है। जल्द ही किसी एक संस्था को यह जिम्मा सौंपकर आम जनता को आवारा कुत्तों के आतंक से राहत दिलवाई जाएगी। अजमेर शहर जो लावारिश कुत्ते हैं, इनको पकड़ के उनकी नसबंदी करने और उनको इंजेक्शन लगाने ताकि वैक्सीन के ताकि किसी भी प्रकार के वो कोई बाइट करे तो आम जन को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सके, रेबीज की बीमारी नहीं हो सके, इसके लिए एक आज मीटिंग आयोजित की गई थी। जो सरकार की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत एनजीओस को ये काम देना है, या तो सरकारी विभाग हो या एनजीओस को, क्योंकि नगर निगम के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था, किंतु उस टेंडर को इसलिए निरस्त करना पड़ा कि हाईकोर्ट में हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई हुई कि 2001 का जो नियम है, इस नियम के तहत किसी एनजीओस को या सरकारी संस्था को दे सकते हैं, टेंडर नहीं कर सकते, जो जानकारी में हो, तो इसके नाते हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी। अजमेर के व्यस्ततम बाजार मदारगेट में व्यापारियों और यातायात पुलिस के बीच हुए समझौते के बाद चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई। तब से जहां ट्रैफिक महकमे के अधिकारी खुश हैं, वहीं व्यापारियों को भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन मदारगेट पर मौजूद सचेती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों ने गुरुवार को नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन और ट्रैफिक विभाग से मांग की है कि मदारगेट बाजार में चौपहिया वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने से व्यापारियों के व्यापार पर संकट आ चुका है। जब से चार पहिया वाहनों की आमद मदारगेट में बंद की है, तब से सचेती कॉम्प्लेक्स में 3 दुकानें बंद हो चुकी हैं। यदि ऐसा ही रहा तो व्यापारियों पर आर्थिक संकट गहरा जाएगा और लोग अपने प्रतिष्ठान बंद कर देंगे, लिहाजा प्रशासन से मांग है कि फिर से मदारगेट पर चौपहिया वाहनों को प्रवेश दिया जाए। चार पहिया वाहन मदारगेट पे चालू करो, आपने ये बंद करके बहुत बड़ा व्यापारियों के लिए घातक स्टेप लिया है, लेकिन प्रशासन ने किसी प्रकार की सुनवाई जूं तक नहीं रहेगी उन पे। इस मद्दी के दौर में जो एक ऑक्सीजन के रूप में कार आके व्यापार इस मार्केट को दे रही थी, वो मार्केट की हालत खराब कर दी है। आखिरकार बात यहां तक पहुंची है कि दुकानें बंद होने के कगार पे है, 3 दुकानें बंद हो चुकी है, इस बाजार की 3 दुकानें बंद हो चुकी है। डेफिनेटली आदमी का ग्राहकी नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, तो निश्चित रूप से व्यापारी को मजबूरन अपनी प्रतिष्ठान बंद करने पड़ेंगे और वो सिलसिला चालू हो चुका है।